गजानंद अहमदाबाद में प्लास्टिक के कारोबार से जुड़े हैं। इससे पहले वे नौकरी करते थे। गजानंद ने जब बिजनेस करने का फैसला लिया तो उन्हें किस चुनौती का सामना करना पड़ा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैंने नया बिजनेस करने का सोचा। प्राइवेट बैंकों में इसके मैं काफ़ी चक्कर काट चुका था, लेकिन मुझे जस्ट 4 से 5 लाख का लोन लेने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई। ये पेपर चाहिए, 2 साल का रिटर्न चाहिए, ये वगैरह, और 2 साल फॉर्म चलेला होना चाहिए। नए बिजनेस को नहीं दे रहे थे लोन। गजानंद के मुताबिक उनके दोस्त ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सलाह दी, जिसके बाद उनकी बड़ी मुसीबत हल हो गई। ये सब काफ़ी मुझे दिक्कतें हुई, लेकिन जब से मैंने मुद्रा लोन के लिए सुना, एक फ्रेंड ने मुझे बताया, उसके बाद मैं जस्ट उसके लिए बैंक में मिलने के बाद मुझे जस्ट 4-5 पेपर या कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी उन्होंने मेरे को बताई, वो पेपर मैंने सबमिट किया और विद इन 1 वीक के अंदर मुझे लोन अप्रूवल हो गया, और मेरा 15 दिन के अंदर तो बिजनेस स्टार्टअप हो गया इसके वजह से। सुना आपने, गजानंद ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिले लोन से कारोबार शुरू किया और अपने बिजनेस में नए स्टाफ को भी जोड़ा। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैंने कम से कम 7 से 8 लोगों को रोजगारी दिया है। गजानंद अपने कारोबार से खुश हैं। उनकी नजर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की वजह से उनका कारोबार शुरू हो सका है। मुझे फाइनेंशियल जो भी स्टॉक वगैरह लेना था, मटेरियल खरीदना था, उसके में मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है लोन की वजह से, और इसके लिए मैं सरकार को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा बिना सिक्योरिटी के मेरे को इतना बड़ा लोन दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोग आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं।